ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने पांच जो सबसे पहले सोचा कि मैं किसको बताऊं, तो उन्हें अपने पांचों उन पुराने साथियों की याद आई और उनको बताया। और उनको बताने के बाद में उन्होंने कहा कि चरत विक्वे चारिकं बहुजन हता है बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, के भिक्कुओ बहुजन कल्याण के लिए आप जाइए। और हमारे एक साथी थे प्रदीप जी, चले गए, उन्होंने बहुजन कंसेप्ट को बड़ा अच्छा समझाया कि बहुजन एससी एसटी ओबीसी कोई नहीं कहते, बहुजन में वो भी आ जाता है जो अम्बेडकरवाद को मानता है। जैसे कि एक कायस्थ जाति के राहुल सांकृत्यायन हुए, उन्होंने बहुत साहित्य पर लिखा, आपने पढ़ा, भिक्खु हुए और आपने उन्हें बहुत भिक्खु माना, यानी कि वो अदर कास्ट से होते हुए आपने उन्हें अपनाया, वो भी बहुजन हुए। भदंत आनंद कौशल्यायन कवि केदारनाथ पांडे हुआ करते थे, जब उन्हें बुद्ध का बात अच्छी लगी और बाबा साहब से भी संपर्क में आए और अच्छा लगा तो बुद्ध की अनुयायी हो गए, बौद्ध भिक्खु बन गए। वर्तमान में मेरे जानने वाले मेरे पिताजी के मित्र हैं, सुरेंद्र शर्मा थे कभी वो, और ब्राह्मणवाद से बड़ा गहरा उनका नाता था। और जब एक किताब उनको एल आर बाली साहब ने दी बुद्ध और उनका धम्म, तो उनके पिताजी ने फाड़ दी और कहा तू ये किताब पढ़ेगा, लेकिन चोरे छुपे उन्होंने फिर उस किताब को पढ़ा और उन्होंने आज सुरेंद्र अज्ञात के नाम से मशहूर हैं और इतनी किताबें उनकी तर्कपूर्ण मार्केट में हैं कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो वो भी बहुजन में आते हैं। और हमारे एक साथी और थे जिन्होंने कॉमरेड थे, जिन्होंने बताया कि जो गरीब मजदूर हैं वो भी बहुजन में आते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा इतना ज्ञानवान नहीं हुआ हूँ कि मैं उस बात को और अंदर गहराई तक समझ सकूँ, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि जो अम्बेडकरवाद की श्रेणी में आ जाता है, जो बाबा साहब को पढ़ लेता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो मैं उसे बहुजन की श्रेणी में समझता हूँ। और यहाँ इतने सभी संगठनों के लोग हैं, फिर वही बात मैं आपसे पूछूंगा, आप कहोगे बहुत पुरानी बात है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि जितने कितने साथी हैं सब बताएं तो सब हाथ उठा देंगे, मेरा भी संगठन है, मेरा भी संगठन है। और मैं किसी से पूछूं कि तुम्हारे संगठन में अध्यक्ष आप हैं, उपाध्यक्ष वाल्मीकि है, सचिव खटीक है, उसका कोषाध्यक्ष धीमर और बहुत सारी नाई हैं, ऐसी कैटेगरी की और बहुत जातियां हैं, तो आप कह देंगे नहीं, आपके सभी के संगठन हैं, लेकिन वो संगठन कैसे हैं ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे क्या बताएंगे और मुझे क्या, मैं क्या जानूंगा उसके बारे में। फिर वो आपके संगठन किस, और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जाति की नीम पर बने संगठन रेत की तरह ढह जाते हैं, जाति के नीम पर बने संगठन वक्त आने पर रेत की तरह ढह जाते हैं, चुटकियों में जैसे रेत निकल जाता ना ऐसे, ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और हमारे संगठन कैसे बने हुए हैं, उसी रेत के बने हुए हैं जो बाबा साहब ने खुद कही है। बातें बहुत सारी लिख कर लाया था, समय नहीं है, बीच बीच में मैं तो गीत के माध्यम से फिर आपके बीच में देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।